अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी तो नहीं है, एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स जो है ना, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो किसके लिए लेकर आई, आप देख रहे हैं। ये क्या है जी? ये है मटर। और मटर को जो है वो किस तरीके से सेव करते हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश रहे। ज़ाहिर सी बात है, गर्मियों में जो है ना, क्या कहते हैं, दिल चाहता है कि मटर आलू के चावल बनाए जाए, गोश्त में मटर डाला जाए। तो हमें मटर जो है ना वो सीज़न के नहीं मिलते हैं, ये मटर सर्दियों के दिनों में आते हैं। तो मटर को सेव करने का क्या तरीक़ाकार होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मटर को किस तरीके से सेव किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, मैंने एक डेगची में पानी रखा है, पानी को हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है, ठीक है। ये मेरा पानी जो है ना वो गर्म हो चुका है, इसमें भाप आ चुकी है। और इसमें मैंने जो है ना वो तकरीबन मेरे मटर की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 4 किलो के हैं, ठीक है। ये 4 किलो मटर लिए हैं मैंने। और इसमें मैंने जो है 2 चम्मच जो है ना चीनी, जी आप सही सुन रहे हैं, मैंने जो है ना चीनी के जो है ना 2 टीस्पून चीनी लिए, उसको मैंने इसमें ऐड किया है। और उसमें ऐड करके मैंने उसको अच्छे से थोड़ा सा मतलब मिक्सअप कर दिया। अब मेरा जो पानी है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस पानी में जो है ना मैं मटर को डाल के और फौरन से निकाल लूँगी और फौरन इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रखूँगी। और उसके बाद मैं जो है ना एक एक प्याले की एक पैकेट बना के जो है ना वो डीफ्रीज कर लूँगी। और जब भी मुझे कुछ भी मतलब मेरे बच्चों को खाने का दिल करेगा मटर का हवाले से, तो मैं जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी और वो मैं आपको दिखाऊँगी कितने फ्रेश और कितने अच्छे मटर जो है ना वो, और कलर भी बिल्कुल इनका जो है ना यही वाला जो अभी आप देख रहे हैं यही कलर। आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इस चीज़ को। ये जो टिप्स है ना, ये मेरी सास ने मुझे जो है ना बताई थी, ये मेरी अपनी नहीं है, बिल्कुल मेरी सास आती है बार बार क्योंकि मैंने सीखा उनसे। एक्चुअली आप सोचते होंगे अपनी अम्मी का नाम लेती सास का, तो जब शादी से पहले तो लाइफ ऐसी थी कि स्कूल कॉलेज और फिर जॉब ये सब स्टार्ट हुए, तो उस टाइम पे कुकिंग की तरफ नहीं आए थे। अब पता चला है कुकिंग में कितनी सारी टिप्स होती हैं, कुकिंग कैसे करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो अब मैं जो है ना वो मटर को इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। तो व्यूवर्स ये देख रहे हैं आप, मैं मटर को जो है ना वो, ये मैंने इनको धो के अच्छे से रख लिया था और अब मैं मटर को जो है ना वो पानी के अंदर ये मैं डाल दूँ। और ये आप देखें, इसको मैंने अच्छे से, ओ मेरा पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ओके। ये जो है मैंने पानी के अंदर मटर को डाल दिया। अब थोड़ा सा मैं इसको जी ये थोड़ा सा मैं इसको चला रही हूँ। ये देखिए जी, अब मैंने मटर को जो है ना गर्म पानी और चीनी का पानी जो है ना मेरा ये मैंने किया था। अब ये आप देख रहे हैं कि मेरे मटर, इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगी, ठीक है। और ये बिल्कुल गर्म पानी है और ये जो है ना इसको थोड़ा सा मैंने चला दिया। अब मेरे मटर जो है ना तकरीबन जो है पानी ऐड हो चुका है, ये चीनी का पानी है और ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इसमें मैंने ऐड कर लिया अच्छे से चला के। अब मैं इसको जो है ना उसमें निकाल के इसमें फ़ौरन से मैं जो है ना ठंडा पानी वो डाल दूँगी, तो आप देखेंगे। अब मैं जो है जी, तो व्यूअर्स ये आप देखें, अब इसमें रहमान रही और ये मैं बहुत ही आराम आराम से इसको मैं निकाल रही हूँ। अब आप देख रहे हैं मटर का मेरा जो कलर है वो कितना माशाल्लाह से अच्छा है जी। तो व्यूअर्स अब इसके अंदर जो है ना मैं ये पानी, ठंडे पानी को ऐड कर लूँगी, ठीक है। अभी ठंडे पानी से थोड़ा सा मैं इसमें ठंडा पानी डालूँगी, ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ठंडा पानी। इस तरीके से जो है व्यूवर्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी एक रेसिपी थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और जो है मैं आपको फिर इसकी जो है ना वो भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से, आपने इसको करना क्या, इसके बाद जो है ना आपने ना इसको एक एक प्याली जो है ना निकाल के एक छोटे छोटे पैकेट जो है ना वो बना लेना है और बना के इसको डीफ्रीज कर देना है। और जब आपको
जब दिल चाहे आप जो है निकाल सकते हैं इसको, आप साल छः महीने जब भी चलाना चाहे। साल तो खैर नहीं लगता क्योंकि यह है कि फिर सर्दी आ जाएंगे तो फिर वापस मटर आ जाएंगे, लेकिन जो है ना तकरीबन छः महीने एटलीस्ट आप जो है ना अपने मटर जो है ना उनको सेव करके रख सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये मेरे मटर जो है ना मैंने निकाले हैं और ये थोड़े से ड्राई भी हो गए हैं, और अब मैं इसको ये एक प्याली जो है ना मैं इसकी ये मैंने इस तरीके से शॉपर्स बना ली हैं, और आप देख रहे हैं कि मैं अपने जो है ना मटर को किस तरीके से सेव करती हूँ। ये मेरी अपने हिसाब से होता है, जब मेरे मेहमान आते हैं तो अगर मुझे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ती है, ये एक प्याली मेरे घर के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है तीन छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड है और मैं हूँ, तो हम अपने हिसाब से जो बनाते हैं तो ये उस हिसाब से है, और आपने जो है ना वो अपने हिसाब से बना लेनी है, जितने घर आपके घर के अफराद हैं जितने आपके हिसाब से डलते हैं। तो इस तरीके से जो है ना मटरों को सेव किया जाता है, तो मैंने सोचा कि ये एक छोटी सी रेसिपी है, छोटी सी टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, जो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं अपने मटरों को सेव करना तो इस रेसिपी इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह की टिप्स लगी आपको, और आपने अगर ट्राई किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और रखिएगा दुआओं में याद, मैं भी रखती हूँ आप सबको दुआओं में याद। तो जो है जाने से पहले एक बात के जो है ना मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी कोई नई टिप्स या कोई नई रेसिपी जो है ना वो आपको मिलती रहे, या कोई मेरी व्लॉग जो घर का जो मैं बच्चों के साथ वीडियो बनाती हूँ तो वो आपको मिलता रहे, और आप मुझे उसका फीडबैक ज़रूर देते रहें। तो रहिएगा खुश, अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल, और जो है अपनों का भी रखिएगा ख्याल, अपना भी रखिएगा ख्याल, तो मुझे रखिएगा, मेरे बच्चों को रखिएगा, मेरे शौहर को रखिएगा, दुआओं में।